इंसान बरसों से एलियन की तलाश कर रहा है। वैज्ञानिक धरती से रेडियो तरंगे भेजकर एलियन से संपर्क करने की कोशिश करते रहे हैं, मगर अब तक एलियंस ने इंसान के किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। एलियन इंसानों के संदेश का जवाब क्यों नहीं देते? वो कहाँ हैं भी या नहीं? ये सवाल मशहूर भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने 1950 में अपने एक सहकर्मी से पूछा था। फर्मी का मानना था कि इस ब्रह्मांड में इंसानों जैसी कई और बुद्धिमान सभ्यताएं अलग अलग ग्रहों पर मौजूद हैं। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि अगर वो हैं तो उनसे हमारा संपर्क क्यों नहीं हो पाता? वो आखिर हैं कहाँ? ये सवाल बेहद मशहूर है और इस सवाल के कारण पैदा हुए विरोधाभास को फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। SETI सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इंटेलिजेंस संस्था कई सालों से इस सवाल का जवाब तलाश रही है। हमारी आकाशगंगा में ही कम से कम करीब 100 अरब तारे हैं। विरोधाभासी फर्मी पैराडॉक्स का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 3 अकादमिकों ने हाल ही में फिर से मूल्यांकन किया। उन्होंने इससे जुड़ी एक स्टडी की है जिसे नाम दिया गया है डिजॉल्विंग द फर्मी पैराडॉक्स। स्टडी के मुताबिक इस बात की संभावना ज्यादा है कि इंसान ब्रह्मांड में अकेला जीवित बुद्धिमान प्राणी है। इसका मतलब ये हुआ कि एलियंस का होना लगभग नामुमकिन है। इस स्टडी को करने वाले 3 विशेषज्ञों में से एक एंडर्स सैंडबर्ग हैं, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर हैं। दूसरे वैज्ञानिक हैं एरिक ड्रेक्सलर। इनका नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट खासा लोकप्रिय है। इनके अलावा इसी अकादमिक सेंटर में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर टॉड ऑर्ड इस स्टडी से जुड़े थे। इस नए अध्ययन में फर्मी पैराडॉक्स के एक गणितीय आधार का विश्लेषण किया गया है जिसे ड्रेक समीकरण कहा जाता है। ड्रेक समीकरण का पहले इस्तेमाल किया जाता था। इससे उन संभावित जगहों की लिस्ट बनाई जाती थी जहां जीवन हो सकता है। अध्ययन में जीवन से जुड़े कई पहलुओं की जांच पड़ताल करने के बाद पाया गया कि 39-85% संभावना है कि ब्रह्मांड में इंसान अकेला जीवित बुद्धिमान प्राणी है। शोध में लिखा गया है, हमने पाया कि इस बात की ठीक ठाक संभावना है कि ब्रह्मांड में कोई और बुद्धिमान सभ्यता नहीं है। ऐसे में अगर उसके कोई संकेत न मिले तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। इतनी ज्यादा अनिश्चितता के आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे अकेले होने की संभावना काफी ज्यादा है। हालांकि अध्ययन के इन लेखकों का यह भी मानना है कि वैज्ञानिकों को एलियंस या ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में जीवन की तलाश जारी रखनी चाहिए। स्टडी में शामिल रहे सैंडबर्ग कहते हैं, एलियंस होने की संभावना कम होने के बावजूद अगर भविष्य में यह पता चलता है कि कहीं पर कोई समझदार एलियन सभ्यता है तो हमें ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। यानी कि फर्मी के विरोधाभास का हल इतना भी आसान नहीं है। तो प्यारे साथियों, आपका क्या मानना है? क्या एलियन जैसी किसी सभ्यता का इस दुनिया में अस्तित्व है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।